आप सभी को राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी मंजू शर्मा और टाइम हुआ है 6:30 और ये है खुशी और ये जा रही है मंदिर। तो मैं इसे मंदिर छोड़ते हुए अपनी क्लास जाऊंगी। और ये है मुस्कान नींद में। और ये है मेरी बुनी। आ जाओ बुनी, आओ बुनी, इधर देखो इधर देखो। हाँ फोटो नहीं वीडियो बना ले। देखो कितनी मेहनत कराती है मैम। एक भी नहीं किया? एक ही किया है, दो तो करते। चलो कोई बात नहीं, आज सुबह का फर्स्ट डे छोड़ देते हैं। पांच मैम, अंगद अगेन करने हैं बर्पीस। चलो कल आओगे ना सुबह? ठीक है। फाइव कंप्लीट। तो कैसे लग रहा है आपको? देखो हालत खराब खराब करके। मैं बुनी कैसे डर गया। काट के खा जाऊं? खा जाओ काट के। ऐसे लोगों की वजह से तो जब चलता है क्यों समझते तुम लोग? हाँ ये बात भी है। कोई 20 ना जा रहे हैं 5। हाँ लेकिन बहुत मुश्किल होता है सुबह उठना भी, ये सब चीजें मेंटेन करना भी ना बड़ा हेडेक होती है। ये किस चीज का मतलब? मुझे बता दे। मैं लंडी क्या करे, मैं नेहा से कह दूंगी, नेहा अगर तुम नहीं जाती मैं तुम्हारी जगह मैं चली जाऊं। पैसे पैसे तो नहीं लगे मैडम, मेरे पैसे सच करा दी, डांस करा दी। क्यों काम करके एक्सरसाइज नहीं होती? ने तो गला घुट कर दिया। चुकंदर है ना, कान्हा जी हमारे हो गए हैं रेडी। और आज कान्हा जी खा रहे हैं पोहा और छाछ। तो बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। दोनों का है नाश्ता, ठीक है ना? दीदी भी आ जाएंगी, दोनों नाश्ता कर लेना। तो ये रहा मेरा नाश्ता, मम्मी ने चाय पी ली है। बाबू आ जा। और
ये मेरी बुनी है जो कि मस्त सो रही है। कितने आराम से सो रहा है। लो पकड़ो सही से। तो मुस्कान खुशी के लिए मैंने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि उनका फास्ट है। और ये लीजिए देवी कोल्ड कॉफ़ी, पी ले कोल्ड कॉफ़ी। खाने में आलू के पराठे खाएगी? खाने में आलू के पराठे खाएगी? पनीर नहीं है, आलू है। पनीर में शेजवान चटनी मिली है, वो वाला पनीर मैंने ब्रूनो को दे दिया। वो तो खा, लेकिन तू नहीं खा सकती ना, उसमें प्याज है। आलू का ठीक है, चल बाय बाय। मम्मी कपड़े तो चेंज कर लेती। कपड़े भी चेंज नहीं करे हैं मैंने, क्योंकि 5 बज गए हैं और इन दोनों का देवियों का फास्ट है आज। दोनों का, ब्रूनो का भी है क्या? दोनों का, देवी देवी दोनों देवियों का। मेरे को लगा अभी दोनों यहाँ पे, तो दोनों का। आलू के पराठे, और आलू में पहली उबाल के गई थी, मुझे पता था लेट हो जाएगा, और आटा मैंने लगा दिया है। फटाफट से आलू की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में भी कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि दोनों का फास्ट था और नानी चली गई है, इसलिए कुछ बनाने का वो ही नहीं लगा, क्योंकि खाने वाले सिर्फ मैं और खुश थे। और नानी के लिए सुबह जाने से पहले मैंने सेमनी उबाल दी थी, क्योंकि उनको तो सबसे ज्यादा सिर्फ सेमनी, बूरा और दही, और कुछ उनको पसंद नहीं आता। और मम्मी और मेरा पेट भरा हुआ था, इसलिए कुछ बना ही नहीं दोपहर में। हाँ, क्योंकि सुबह ही थोड़ा वो खा लिया था, और उसके बाद में लस्सी पी ली थी, सुबह जूस भी पी लिया था, तो इसलिए पेट थोड़ा भर गया था। इसने तो बाद में फिर दोबारा पोहा खा लिया था, तो इसलिए हो गया था। मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ, वैसे मैं सोच रही थी दाल चावल बना लूँ, लेकिन फिर इन्होंने कहा हमारा तो फास्ट है, फिर किसके लिए बनाऊंगी, तो मैंने सोचा हाँ क्या फ़ायदा, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो फटाफट से रेडी होकर मैंने बनाई वीडियो, और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और जिसने मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को करो सब्सक्राइब, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है बोलने में, पता है कि ये सब्सक्राइब, फिर भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, हाँ सारी चीजें करो जो भी इसने बोला है। और मैं बनाऊंगी आलू के पराठे फटाफट, इंस्टाग्राम पे भी सेम आलू के पराठे के। ये रहे आलू, ये आटा मंड रहा है, मंड गया आटा, मंड गया है। और ये रही मम्मी। आलू के पराठे की रेसिपी बताओ मम्मी। रेसिपी कुछ नहीं है, बस आटा थोड़ा पतला लगाना है, ज्यादा टाइट आटा नहीं गूंदना है। और एक प्लेट लेनी है, एक प्लेट लेनी है कांच की, और आलू थोड़ा अच्छे वाले लेने हैं, ये देखो, ये देखो जो वैसे होते हैं वो वाले आलू, मोटे वाले, मोटे वाले नहीं है, मतलब एक आता है ना वो चिप्स होना, वो ज्यादा सही रहते हैं, तो वो ले चिप्स होना। ऐसा लग रहा है चिप्स का नाम। फटाफट से करेंगे काम, क्योंकि देर हो गई है, 6 बजे ये लोग खाना खाएंगे। कितने बन गए आलू के पराठे? आलू के पराठे बन गए हैं, दोनों के लिए रोटी भी बन गई है, अब बस कुछ तो पराठा। और हालत देखो मेरी क्या हो गई है, मेकअप वेकअप सब निकल गया, सारा मेकअप बर्बाद हो गया, निकल गया सच्ची। तेरी बारी पे ऐसा होता है। क्या मतलब मेरी बारी पे होता है? ये लास्ट पराठा मेरा है, आलू का पराठा भी एक मेरा है। कितने पराठे हैं मेरे? एक आलू का, एक पनीर का। कितने हुए? टू बंदा। ये आपके एयरिंग में कांटे से क्यों हैं? ये मम्मी बना रही है, बेलन दिया है पोच। मम्मी क्या कर रही हो? तेरा पराठा बना लियो भाई। ये देखो आज पनीर का पराठा भी फट गया, वो इसलिए फट गया ना, इसमें वो वाली चटनी है शेजवान। तो टाइम हो गया है 7 पर, ये घड़ी थोड़ी सी हमारी फास्ट है, तो अभी हुआ है 15 मिनट आ गया है ये। तो यहाँ मुस्कान अपना फास्ट खोल रही है, तो खा रही है आलू का पराठा और दही, और यहाँ खोश खा रहा है आलू का पराठा। दही नहीं खा रही तुझे? नहीं,
छाछ भी रखी थी तेरी तो बढ़िया। और नहाया नहीं ना तू आज भी, कपड़े भी कल वाले ही पहन रखे हैं। अरे है कल ही नहाया तो कल खाया भी तो था तो जरूरी नहीं है कि आज नहाया कोई भी। अच्छा